हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं मंदिर वगैरह जाकर आ गई हूँ और खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज चुकर मेरे दोनों के खाना है, तो मैं लौकी के पराठे बनाने वाली हूँ जो कि फास्ट और टेस्टी बन जाने वाले हैं, जो कि मैंने बताए हुए मेरे ब्लॉग में दो तीन बार बताए होंगे। अब ये जो पानी निकाला है, दिख रहा है, ये जो पानी निकाला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, छान के मैं पी लूँगी, क्योंकि लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फॉर स्किन, स्टमक एंड मैनी मोर्स। ये हमारे लौकी छिल के तैयार है और अब आटा लेके आती हूँ मैं। अभी ये प्याज को चॉप कर दूँगी, इसके अंदर मैं निकाल दी है। आटा छानने से पहले ये सारी तैयारी करके रखती हूँ। आटा पीस लिया है और इसके अंदर ये प्याज और लौकी जा रही है। अगर इस लौकी के अंदर अगर जब आप ग्रेट कर रहे हो और पानी नहीं निकाला तो समझ लो आटा ऐसे हो जाएगा, इसलिए निकालना भी जरूरी है। और बहुत कम, मैंने लगभग आधे कप पानी से पूरा आटा गूंदा है, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा पानी का सिंक्रिएशन करती है। ये लौकी के पराठे का आटा कम्प्लीट। इसको 5 मिनट रेस्ट करने दूँगी, इतने में मैं मेरे दूसरे घर के काम कर लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि चिकू को लग गई है भूख, तो जल्दी से बना लेती हूँ। अभी मैं खाना खा रही हूँ और खाने में जैसे कि लौकी के पराठे हैं, पापड़ है, नमकीन है, प्याज है, तो खाना वगैरह कंप्लीट खा लेती हूँ, फिर जाना है शॉप पर, तो शॉप पर जाऊँगी। और आप फोक्स देख ही सकते हो, फोक्स आप देख ही सकते हो, एकदम आरजीबी लाइट का कितना ज़्यादा आ रहा है, तसल्ली से खाने भी नहीं मिल रहा है मेरे को। अब चलते हैं शॉप पर, फटाफट घर का काम निपटा दिया। भाई जी आज आने वाले नहीं है, हालांकि किचन का काम और ये तो सब ड्यू है, आके करूँगी, पर शॉप पर आ गए हैं कस्टमर। और कपड़े वगैरह तो भिगा दिए कपड़े धोने के लिए, और दुपट्टा एंड मास्क पहन लिया। अब चलती हूँ शॉप पर। सुबह से आई थी शॉप पर और अकेली थी, आज ज्योति नहीं है, ज्योति के भी घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ज्योति आ नहीं पाई है। सुबह से क्लाइंट थे और घर पे भी काम वाली बाई नहीं थी, तो घर पे भी सारा काम एज ए टीज रख के आई हूँ। तो अभी वापस जाऊँगी घर पे, 4:30 हो गई है, अभी जाऊँगी घर पे साफ़ सफाई करूँगी, सब बाकी है काम घर का, सिर्फ कपड़े भिगा के आई हूँ, तो अभी वापस जाना है घर पे मुझे। चलो भाई यहाँ से घर पे जाना था, पर घर पे जा ही नहीं पाई क्योंकि चिकू भी उस शॉप पर इतने बिजी हैं कि पूछो मत, अपने को तो पूछ ही नहीं रहे। यानी मैंने इतने फ़ोन कर दिए पर वो भी इतने बिजी हैं, आने का टाइम नहीं है उनको, और मैं भी यहाँ पर बिजी थी। तो ये अभी सारा ज्वेलरी वगैरह संभाल रही हूँ, क्योंकि कस्टमर आए थे तो उनको दिखानी थी, और कुकिंग्स वगैरह चल ही रही हैं बस, और साथ साथ में काम हो रहे हैं। यार टाइम नहीं मिल रहा है, घर पे भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ। चलो अंदर अब क्लोजिंग करने का टाइम हो गया है, तो क्लोजिंग कर देते हैं और चलते हैं बाहर। बाहर चलते हैं और आज बाहर जाके ही बात करते हैं। आ गई हूँ मैं आगे वाली शॉप पर और आज आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे देते हैं। नॉलेज क्या दे देते हैं, आपका बहुत ही काम आने वाला प्रोडक्ट है और अभी की लाइफ में तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ओरिगामी के वेट वाइप्स के बारे में। ये वेट वाइप्स आपको किस किस तरह से हेल्प करती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गर्ल्स के लिए है मेकअप रिमूव करने के लिए, और बॉयज़ अगर इसको यूज़ करते हैं तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। धूल मिट्टी जो उड़ती है उसको रिफ्रेशिंग रखने के लिए हम वेट वाइप से अपना फेस भी क्लीन कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है पॉकेट टिश्यू, जो मस्ट गर्ल्स को तो अपने यानी पर्स में वगैरह में यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी काम पड़ते हैं टिश्यूज़ के, यानी कहीं मिट्टी वगैरह चली गई, कुछ भी, फ़ोन वगैरह क्लीन हो गया,
बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाली चीज़ है, टिश्यूज़ किस चीज़ में काम नहीं आते हैं। और फिर आ गया ये प्रोडक्ट है घर पे यूज़ करने का, कार में भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ों में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ये पुल वाले टिश्यूज़ है, इसके अंदर दो वेराइटीज़ है, एक में है 200 पुल्स है, एक में 100 पुल्स हैं, और बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टिश्यूज़ हैं। और सेकेंड आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी औरतों के लिए, ये है किचन नैपकिन्स, किचन टॉवेल, आपको जो चाहो वो कह सकते हो। ये हमको रोटी के डिब्बे में रखने के लिए काम आते हैं, कुछ पका रहे हैं ऑयली फूड है तो उसके लिए काम आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये काम आने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है और इसका रोल भी काफ़ी काफ़ी बड़े हैं। इसके बाद आ जाते हैं लग्जूरियस नैपकिन, ये नैपकिन्स यानी फेस्टिवल सीजन्स आ गया है अभी तो, फेस्टिव सीजन्स में हमारे घर पे हम अच्छे अच्छे डिशेज़ वगैरह बनाएंगे वगैरह सब करेंगे, तो उसके लिए मेन हमको नैपकिन्स भी हम हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर सजा कर रखते हैं, तो उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ये लग्जूरियस रेंज है ओरिगामी के अंदर। और आपको अब मैं नॉर्मल टिश्यूज़ और नॉर्मल नैपकिन्स भी बता देती हूँ। ये है नॉर्मल टिश्यूज़ जो कि अब हमारे डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ है, जो डायरेक्ट यानी एक एक पीस प्रॉपर निकला हुआ है, पुल करने के लिए नहीं है, ये एक पूरा ऐसा पैकेट है। इसमें एक और टिश्यू है ये, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये एकदम सॉफ्ट है, जैसे कि हम हमारे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह, यानी पर्सनल केयर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मैंने आपको आज टिश्यूज़ की रेंज बता दी है जो हमारी शॉप पर अवेलेबल है एक एक। इसके अंदर दो प्रोडक्ट और है जो मैं आपको बताना भूल गई, एक तो है ये वाले प्रिंटेड नैपकिन जो कि बहुत काम आने वाले हैं, और मेन है ये वॉशेबल रीयूजेबल ये नैपकिन है, इसको हम वॉश भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, ये फ्लोर वगैरह क्लीन करने के लिए या फिर कुछ भी सामान वगैरह क्लीन करना है या फिर डाइनिंग टेबल क्लीन हो गया, किचन का कुछ भी क्लीन करना है तो उसके लिए, किचन के घर के अंदर किसी भी साफ़ सफाई में काम आने वाला एक तरह से बोलते हैं ना कपड़ा है, तो ये वो वाला कपड़ा है, इसको हम वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है, गंदा हुआ तो फेंको, बाकी जब तक वॉश करके यूज़ हो रहा है तब तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी सारे जो भी मैंने बताए थे, और ये दो मैं भूल गई थी तो मैंने वापस से ऐड कर दिए, तो चलिए सारे एक साथ बता देती हूँ। तो ये है कम्प्लीट टिश्यू जो मैंने आपको बताए हैं, ये नैपकिन्स हैं, ये किचन टॉवेल हैं, ये लग्जूरियस टिश्यू हैं, और ये है वेट टिश्यू, इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स हैं, और ये है पॉकेट टिश्यूज, और ये है नैपकिन्स, और ये है किचन में रीयूजेबल वॉशेबल क्लोथ है, और ये है ओरिगामी के पेपर टॉवेल, यानी ये पुल करने वाले हैं तो इसका प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें मैंने पूरा जमा के रखा है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो आप देख लीजिए। फाइनली चिकू अब लेने आए हैं 3 से 4 घंटों के बाद, पर गलती इनकी भी कुछ नहीं है, काम ज़्यादा है। ओहो प्रिंसी, इधर दांत कैसे टूट गया? अभी खाना वगैरह सब हो चुका है तो बस मैं यहाँ पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। पर जाने से पहले एक चीज़ और बोल देती हूँ जो कि मैं कल के व्लॉग में भी मैंने बोली थी, अगर आपको मैंने आज जो भी प्रोडक्ट दिखाया टिश्यूज़ वगैरह कुछ भी परचेज़ करना हो तो मैं कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, और मेरी वेबसाइट तो है ही सही, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। ओके बाय।